हेलो एवरीवन, तो इस तरह की कस्टमाइज टेबल बनाना शुरू करते हैं। आप इसे कॉर्नर टेबल बना सकते हैं, शू रैक बना सकते हैं और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ओल्ड पाइप्स और कुछ जॉइंटर्स चाहिए। और इस पाइप को कट करने के लिए आप सॉ या आरी यूज़ कर सकते हैं या घर में इस तरह का जो नाइफ होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी रिक्वायर्ड साइज़ की टेबल का स्केच ड्रॉ करेंगे। आप आपकी रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारी टेबल का बेस है, तो इसके लिए आप कोई भी हार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका पूरा मेज़रमेंट लिख लेंगे। ये 23 इंचेस है। एंड ये हमारा 18 इंचेस है। एंड ये साइड हमारी 26 इंचेस है। सो हम हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग कट करेंगे। 26 एंड 18 काफ़ी बिग नंबर है, तो इसे बेस देने के लिए हम सेंटर में 2 सपोर्ट पाइप और ऐड करेंगे। इसके पैरों को अच्छा लुक देने के लिए हम यहाँ एक सिंगल जॉइंट्स और अटैच करेंगे। सबसे पहले हम 4 इक्वल साइज़ के पाइप्स कट करेंगे टेबल के लेग्स बनाने के लिए। ओवरऑल 23 हाइट चाहिए, बट मैं 20 साइज़ के पाइप्स कट कर रही हूँ, बाकी जॉइंट्स में कवर हो जाएगी। इस तरह टेबल के चारों लेग्स कट गए हैं और इनके नीचे हमने 4 सिंगल जॉइंट्स लगाए हैं। टेबल के बेस के लिए हमें 2 लंबे पाइप्स की भी ज़रूरत होगी और बाकी पाइप्स हम हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। नेक्स्ट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसे सेट कर लेंगे एंड देन इनको जॉइन करेंगे। अब ये कलर होने के लिए एकदम रेडी है, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये कलर होके ड्राई हो गई है। नेक्स्ट एक हार्डबोर्ड लीजिए, उस पर आपकी चॉइस के हिसाब से कलर कीजिए, डिज़ाइन कीजिए। This is the final look of table. आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपकी डिज़ाइन की हुई टेबल की फ़ोटोज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेजना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। करली मोनिल।